अस्सलामु अलैकुम। अच्छा यार, अभी मैं आपको चाट के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि अली भाई, हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, हमें कोई ट्रेड नहीं मिलती कि यार हम किस तरफ ट्रेड लें। मतलब कभी मार्केट हमें कहते हैं हमने लॉन्ग जाना है, कभी शॉर्ट जाना है, मतलब हम इस चीज़ को एनालाइज ही नहीं कर पाते कि हम किस तरफ की ट्रेड लें। मैं अभी आपके साथ ना एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ शेयर करता हूँ, उसकी एक्यूरेसी इतनी है कि मैंने उसको बहुत दफ़ा टेस्ट कर लिया है कि भाई हर दफ़ा उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त निकलती है। ठीक है, अभी और है भी बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर, आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट को ओपन कर लेना है और आप कोशिश करें कि आप स्ट्रैटेजी को ना अच्छे कॉइन्स के ऊपर ही मतलब अप्लाई करें जिनमें मतलब वॉल्यूम ज्यादा है। लाइक जैसे अभी ये BTC है, ठीक है, इस पे बहुत ज़बरदस्त काम करती है, मैंने टेस्ट भी इसी पे किया है। जो छोटे कॉइन्स होते हैं उनमें वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे मार्केट इतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देती, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी के अंदर ये देखा गया है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। ठीक है, अब अगर देखें आप बैठे हैं, आपको नहीं चीज़ एनालाइज हो रही कि यहाँ से देखें मार्केट किस तरफ जा रही है, यहाँ पे आपने फाइंड करने की कोशिश करनी है 1 आवर या आपको 4 आवर्स तक मार्केट कंसोलिडेशन दे। ठीक है, एक रेंज के अंदर मूवमेंट करती हुई नजर आए, एक छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आपको एक दिन में 2 ट्रेड्स भी मिल सकती हैं, ठीक है, आपको 2 दिन के अंदर 1 ट्रेड भी मिल सकती है, लेकिन यार इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है। ठीक है, मैंने कल आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी, मैंने इसमें आपको बताया था कि मतलब एक स्पेसिफिक अगर स्ट्रेटेजी को लेकर चलोगे तो भाई आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। ठीक है, मैंने आपको लाइव यहाँ पे ये चीजें काफी शो की थी, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी इसको जरूर देखें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। अच्छा देखें, अब जो चीज मैं कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं यहां पर देखूं तो मार्केट ये देखें यहां से ऊपर आई थी, यहां तक आ गई, ये फोर तक। अब मुझे इस चीज को एनालाइज नहीं हो रहा था कि यार मैं मतलब अभी यहां पे एंट्री कौन सी लूं, मतलब यहां से क्या मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट यहां से नीचे गिरने वाली है, मैं इस चीज को एनालाइज नहीं कर पा रहा था। अच्छा, मैं इसको अगर थोड़ा सा यहां पे जूम आपको करके दिखाता हूं, ये देखें, ठीक है, मैं इस चीज को एनालाइज नहीं कर पा रहा था। उसके बाद हुआ क्या, मार्केट ने यहां पर मेरे पास देखें एक यहां तक गई है, फिर उसके बाद यहां से डाउन आ गई, फिर यहां पर डाउन, फिर ऊपर। अब देखें कितनी दफा मार्केट यहां से डाउन आई है, ये 5-5 मिनट की कैंडल्स हैं, ये मेरे ख्याल से कोई गालबन यहां पे मार्केट 2 आवर्स के लिए मार्केट ने कंसोलिडेशन दी है यहां पे, ये देखें, ठीक है, एक दफा नीचे फिर ऊपर, ये मतलब। अच्छा, जब मार्केट ने सिर्फ यहां तक हमारे पास कंसोलिडेशन देनी थी ना, ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, यहां तक, ये देखें, मतलब सिर्फ एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, यहां तक मैंने इसको रेंज को ड्रा कर लेना था। अब रेंज कैसे ड्रा करनी है ये देखें, आपने जब भी मार्केट ने कहीं पर भी आपको ये मतलब इस तरह साइडवे जाती हुई नजर आएगी, आपने ये टॉप रेंज, ये मार्केट का लो है, ठीक है, आपने इसको इस तरह ड्रा कर लेना है, ठीक है, यहां से इस तरह, ये देखें, ठीक है, यहां तक। अब इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट मूव करती रहेगी आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने जस्ट एक्टिव रहना है, ठीक है, आपने देखना है कि मार्केट किस तरफ ब्रेक करती है और उसके बाद रीटेस्ट करती है, इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि मैं कहता हूं आप इसको एक दफा इसकी बैक टेस्टिंग करें या आप लाइव मार्केट पे अप्लाई करके चेक करें मेरे कहने पे एक दफा, तो इंशाल्लाह इतना जबरदस्त आपको प्रॉफिट मिलेगा कि आप वाकई कहोगे कि अली भाई आपने कोई चीज हमें बताई है कि जो काम करती है। ठीक है, आप देखें, अब इसमें क्या होना था, जब भी इसकी ब्रेकिंग होनी थी जिस तरफ भी हो जाती, ठीक है, आपने यहां पर देखें लॉन्ग की एंट्री यहां पर मेरी होनी थी भाई साहब, जब भी मार्केट ने इसको ब्रेक करना था, ठीक है, यहां पे छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस होना था जो प्रीवियस कैंडल थी, ठीक है, जो मार्केट ने ब्रेक किया ना इस कैंडल है, ये देखें, इससे ऊपर मेरी एंट्री होनी थी और ये मेरा स्टॉप लॉस। इसी तरह एक मैंने यहां पे शॉर्ट का ड्रा करना था एंगल यहां पे, अगर मार्केट नीचे को ब्रेकआउट करती तो जो कैंडल ने ब्रेकआउट करना था उस कैंडल का जो टॉप होना था वो मेरा मतलब स्टॉप लॉस बन जाना था। ठीक है, अभी नीचे को नहीं गई, ऊपर को गई है मार्केट, यहां पर देखें मैं और जूम करता हूं, यहां पर ये देखें मार्केट ने क्या किया जी यहां पर, ठीक है, अब देखें यहां से इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये इसका हाई था, ये इसका यहां पे लो है, ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद बेशक मैं यहां पे जैसे ब्रेक हुआ था एंट्री लेता, लेकिन कोशिश करनी है कि एक दफा रीटेस्ट होने का वेट करें, नहीं तो ये जो नेक्स्ट कैंडल बन रही थी यहां पर भी मैं इसके टॉप पर एंट्री ले सकता था मार्केट के अंदर, यह सेफली होती है। ठीक है, एक कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, जस्ट फॉरन उस पर एंट्री नहीं लेनी, उसके वेट करें रीटेस्ट होने का, अगर तो रीटेस्ट करती है ठीक है, क्योंकि यहां से मार्केट बार दफा रीटेस्ट करके नीचे की तरफ भी जा सकती है, इसलिए फॉरन नहीं, वेट करें नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन रही है। जैसे इस कैंडल को देखिए इसने ब्रेक किया, अगर मैं यहां पे भी एंट्री लेता तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं मार्केट ने कितना जबरदस्त हमें यहां पे प्रॉफिट दिया। और जब भी एक आपको मार्केट के अंदर ये साइडवे कंसोलिडेशन मिलेगी 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको और चेक करवाता हूं यहां पर, ये देखें, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं तो आपको ये चीज एनालाइज खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाएगी। आप इसकी एक दफा बैक टेस्टिंग करें, मैं थोड़ा सा बैक जाता हूं, ठीक है, यहाँ पे चले जाते हैं, अभी यहाँ पे नहीं हमें मिल रही, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मार्केट साइडवे गई है, ये देखें यहाँ पे एक हाई मार्केट ने लगा के, ठीक है, ये देखें ये मार्केट ने एक रिसेंटली हाई लगाया था, ठीक है, उसके बाद मार्केट में ये कंसोलिडेशन बन गई थी मेरे पास यहाँ पे, आप देखें, ठीक है, ये देखें, ठीक है, यहाँ से डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, ठीक है, फिर ऊपर, फिर रीटेस्ट, फिर उसके बाद ब्रेकिंग जैसे ही हुई है आप प्रॉफिट चेक कर लें।
ठीक है। अब इस चीज को आपने मार्केट में फाइंड करने की कोशिश करनी है, सिर्फ छोटा सा टाइम फ्रेम है, ये नहीं कि यार ये मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप बैठे हैं ढूंढ रहे हैं, पूरा पूरा दिन लग रहा है, नहीं। अच्छा, इस चीज को करने के लिए आप मोबाइल पे चले जाओ, ट्रेडिंग व्यू के नाम से एप्लीकेशन मिल जाती है, उस पर कर लो, नहीं तो बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन करो, जिस भी कॉइन में करना चाहते हो वहां पर भी बहुत जबरदस्त सिस्टम है, ठीक है, वहां पर भी कर सकते हो बाइनेंस एप्लीकेशन। बाइनेंस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोशिश करें कि यार अगर आपके साथ हम इतनी जबरदस्त चीजें शेयर कर रहे हैं तो आप हमारे रेफरल से आए, ठीक है। और सेकेंडली यहां पे 20% का आपको डिस्काउंट मिलता है ट्रेडिंग करने के ऊपर फीस के अंदर, ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको जरूर वेल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी अकाउंट क्रिएट कर ले, ठीक है। कैसे करना है उसके लिए मैंने ये कंप्लीट वीडियो ऐड की है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी जरूर देख ले, ठीक है। अब ये मेन आपको सारी वीडियो बना के बताने का मकसद ये था, इस चीज को फाइंड करें। मैं पर्सनली इसको बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइंड करता हूं, ये जब भी आपको इस तरह की कंसोलिडेशन मिलती है ना भाई, ये हमारे लिए 100% सेफ चीज होती है, और इसमें स्टॉप लॉस इतना छोटा और टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, मतलब रिस्क बहुत कम होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब भी आप मार्केट में आए, आप मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि मार्केट नेक्स्ट किस तरफ जाने वाली है, तो भाई मार्केट के अंदर सिर्फ ये चीज फाइंड करते रहे। मैं कहता हूं पूरा दिन बैठ जाओ, सिर्फ एक ट्रेड फाइंड कर लो, ये वाली फाइंड कर लो, कंसोलिडेशन वाली, 100% कंफर्म प्रॉफिट है यार, मार्केट से डेली के $50 $100 कमा लो, उठ जाओ, क्या चाहिए। और ये मेरी वीडियो देख लो, मैंने इसमें लाइव आपको दिखाया कि किस तरह मैंने प्रॉफिट जनरेट किए हैं, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन क्या है, फर्स्टली इन चीज़ों को सीखें, फ्री के अंदर कोर्सेज पढ़े हैं, सीखें, सीखने के बाद इसकी तरफ आए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, दूसरों का भी, आपका भी, इंशाल्लाह इसका अजर आपको भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम भी आप तक अच्छे अच्छे वीडियोस पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।